क्लासेस में रोज सुबह पहला पीरियड होता है जब बच्चों को मेडिटेशन सिखाई जाती है, अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे कि बच्चे अच्छा इंसान बन सकें। डेली एक ही वक्त पे 18 लाख बच्चे एक ही समय 18 लाख बच्चे एक साथ मेडिटेशन करते हैं डेली। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं तो सुबह सुबह दिल्ली के अंदर कितनी अच्छी तरंगे फैलती होगी। इन बच्चों को आज हर बच्चे पे बहुत एकेडमिक स्ट्रेस होता है, उनके परिवार का स्ट्रेस होता है, दोस्तों का स्ट्रेस होता है और बच्चों के लिए उससे कोप कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे देश भर में सुइसाइड कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दिल्ली के बच्चों को उनका मानसिक संतुलन इन हैप्पीनेस क्लासेस की वजह से, इमोशनल उनका बैलेंस अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से इस किस्म का भगवान की दया से अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमारा मकसद है कि ये बच्चे आगे चल के अच्छे इंसान बने जिंदगी में और अच्छे देशभक्त बने। भारत ने पिछले 2000-3000 साल में पूरी दुनिया को आध्यात्म सिखाया है, एक तरह से पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी रही है भारत। मैं समझता हूँ कि ये हैप्पीनेस क्लासेस जो बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है, ये पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के बच्चों को, हर स्कूल को एक दिशा देगी कि स्कूलों के अंदर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखाते। किसी को आता ही नहीं था बनाना, अब हमने सिखाना चालू किया है और पूरी दुनिया को ये एक दिशा देगा। अरविंद जी, आपको सिंगापुर जाना था ये सब मॉडल पेश करने के लिए और आपका दौरा कर दो। कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया ना सही, वो भी खुश रहे हम भी खुश। लेकिन अब जो बात आप बताना चाह रहे हैं, आज आपने बताई है दिल्ली देश को, वो दुनिया को आप नहीं बता पाएंगे उस पटल से जो आप लगातार। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बात फैल रही है, जितने भी डिग्निटरीज आते हैं, यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल आए, स्वीडन नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई, मेलेनिया ट्रंप आई, धीरे धीरे बात तो फैल रही है। अच्छा होता अगर मैं जाता और दुनिया को अपनी बात रख पाता, अच्छा होता अगर मैं सारी दुनिया के सामने देश में जो अच्छा काम हो रहा है रख पाता, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।